कोई स्वीकारता नहीं है तो पूरे देश भर एलाइज में क्या हाल होगा आप सोचिए। शिवसेना से दोपहर सामना के संपादक प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, उधर समाजवादी पार्टी से फैसल वारसी साहब, इनसे हम ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि ये दाव बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का दरअसल है क्या, आखिर क्यों एक सुरक्षित सीट की हो रही है तलाश। जल्द लौटते हैं। चर्चा जारी हमारी कि अगर देशभर में नरेंद्र मोदी की लहर है जैसा कि दावा खुद मोदी और उनकी पार्टी करती है तो फिर वाराणसी जैसी सीट को क्यों चुन रहे हैं नरेंद्र मोदी। इस पर औपचारिक फैसला नहीं हुआ है लेकिन कयास बहुत लगाए जा रहे हैं। वाराणसी जो कि गढ़ माना जाता है बीजेपी का, हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी से फैसल वारसी साहब हमारे साथ हैं। फैसल वारसी साहब, आप ही की पार्टी के नेता शाहिद मंजूर साहब ने यह कहा कि चुनौती दे रहे हैं वो मोदी को कि वो मेरठ से चुनाव लड़े, आपको क्या लगता है क्या वाकई में सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? देखिए ऐसा है इनके साथ, जैसे नाम बड़े और दर्शन छोटे, अगर सिक्योर सीट नहीं ढूंढ रहे हैं तो कहीं से भी लड़ सकते हैं। शाहिद साहब ने भी बात ठीक कही है, अमेठी रायबरेली की बात छोड़ दें, उन्हें मैनपुरी या कन्नौज भेज दें, वहाँ से लड़ा लें तो बीजेपी को फायदा ही होगा इससे। अगर उनकी लहर है, लहर जब होती है तो लोग जो पार्टी का मुखिया होता है वो ही नहीं देखना कहाँ से लड़ना है, चुनाव तो कहीं से भी लड़ा जा सकता है। वो पार्टी के हित में सोचें अपनी, ना कि अपनी साख बचाने के लिए। और रहा सवाल बनारस सीट का, तो वहाँ से जोशी जी भी कोई बहुत भारी मतों से नहीं जीते, पिछली बार भी वो बस जीत ही गए और इस बार वहां से सपा की ही सीट जीतेगी। तो मोदी जी का जो मुझे लग रहा है कि लहर है या ऐसा कुछ है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जब गुजरात को छोड़कर देखिए ना आप, राहुल गांधी हो गई, सोनिया गांधी हो गई, ये लोग तो जो इनकी अपने क्षेत्र है उससे बाहर नहीं जाते, वो कम से कम अभी गुजरात की बात नहीं कर रहे हैं, अभी किसी दूसरे प्रदेश से लड़ने की बात हो रही है। नहीं तो देर नॉट टॉकिंग अबाउट द लहर, लहर की बात तो यहाँ बीजेपी से शुरू हुई है, ठीक है। वो वहां से लड़ने, ठीक है उनकी सीट है, वो तो बाहर गए नहीं ना उनको जाना है, तो लहर की बात तो हम यहाँ बीजेपी की कर रहे हैं कि बीजेपी की लहर है, सब जगह से जीत रही है, तो ऐसे में उनको मैं नहीं समझता सोचना चाहिए। रहने को बिजनौर है, मुरादाबाद है, कन्नौज है, मैनपुरी है, कहीं भी जा सकते हैं, वहां से चुनाव लड़े अगर लड़े और सीट बचा के। कोई लहर नहीं है, अगर लहर है तो कहीं से भी चुनाव उन्हें लड़ना चाहिए। तो पहले सामना के संपादक प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना कांग्रेस पार्टी का सवाल कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते, समाजवादी पार्टी कह रही है भैया आप मेरठ से चुनाव लड़िए, आप वाराणसी क्यों जा रहे हैं, वो सीट जो बीजेपी के पास है, वो जगह जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। नहीं, ये सारे सवाल ही बेतुके हैं। नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेना है, ये निर्णय ना सपा को करना है, ना कांग्रेस को करना है, ना आप या ताप को करना है, सीधा सीधा ये फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करना, और वो देखेगी कि जिस सीट से लड़ने से सर्वाधिक लाभ होगा वहां चुनाव लड़ाएगी। इसलिए इस मुद्दे पर इस तरह की चर्चा, और ये अगर यही मुद्दा है तो 1984 में जब सहानुभूति की लहर चल रही थी, जब सहानुभूति की, नहीं सुनिए ना वो, आप सुन तो लीजिए, सहानुभूति की लहर जब चल रही थी 1984 वाली, तब उस समय राजीव गांधी कहीं जाके तमिलनाडु से क्यों नहीं चुनाव लड़ लिए? अच्छा। तो कांग्रेस को इस तरह की बातें करना ये कुतर्क के अलावा कुछ नहीं है। दूसरा, ये आप वाले जो बात करते हैं कि इनकी लहर नहीं है, इनकी बड़ी लहर है। अच्छा। इनके कार्यकर्ता इनके मुंह पे काली पोत दे रहे हैं, इनके कार्यकर्ता इनको पीट रहे हैं, इनकी बड़ी लहर है। आप कुछ कहना भी चाहती हैं और इल्मी जी बड़े जुल्मी कमेंट दे रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि इनके ही कार्यकर्ता इनके मुंह पर स्याही पोत दे रहे हैं और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, तो इनकी बड़ी लहर है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं उनसे। जी शाजिया जी, जी बात हमारी होनी रही थी लेकिन आप इतने परेशान और भयभीत हमारे नाम से हो रहे हैं कि आप हमारी बात करने लगे। अच्छा है, अच्छा हमारी बात कर रहे हैं क्योंकि आपको करनी भी चाहिए। कौन भयभीत हो रहा है? अब आप देखिए नरेंद्र मोदी की सुरक्षित सीट क्यों चाह रहे हैं? आपने शुरुआत की बात, अरे आपने भाजपा पर आरोप लगाना आपने शुरू किया, हमने नहीं। प्रेम शुक्ला जी, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, आपके साथ तो सहमत नहीं होंगे वो। चलिए उन्हें बात रखने दीजिए, मैं फिर आपके पास आऊंगी। सर जी शाजिया जी, जी मैं ये कह रही हूँ कि आप ज्यादातर लीडर्स को देखिए, क्यों नहीं ये नरेंद्र मोदी लड़ते हैं सोनिया गांधी के खिलाफ, क्यों नहीं लड़ते हैं वो किसी भी बड़े मायावती के खिलाफ, क्यों नहीं वो लड़ते हैं किसी भी कद्दावर राहुल गांधी के खिलाफ, क्यों वो लड़ रहे हैं एक सुरक्षित, क्यों उनको सुरक्षित सीट चाहिए? आप इनके सब लीडर्स को देखिए, आप इनके डॉक्टर हर्षवर्धन को भी देखिए, पुरानी सीट, आप बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन आप क्यों नहीं सही जगह से, आप जो बिल्कुल विकसित नहीं हो वहां से आप जाते हैं? नहीं लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जवाब तो दीजिए, ये सवाल क्यों ना हो। देखिए अरविंद केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा, अरविंद केजरीवाल मुझे
कि अरविंद केजरीवाल ने अपने मुंह से ये नहीं कहा प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, लेकिन तीन बड़े नेता उनकी पार्टी के कह चुके हैं। शुक्ला जी प्रेम शुक्ला जी, अगर मोदी की इतनी लहर है तो एमएनएस राज ठाकरे के साथ वो समझौता कर रहे हैं, आपके साथ जो शिवसेना के साथ उनका बीजेपी का गठबंधन है उस पर काली पोत रहे हैं, समझौता नहीं कर रहे हैं वो, उनकी पूछ उस पर कुछ बताइए ना प्रेम शुक्ला जी। आज ही आपको विद्रोही जी शुक्ला जी राज ठाकरे के साथ बीजेपी के समझौते पर राजनीति न कर लहर चल रही है, राज ठाकरे उनकी पूछ पर सवार हो रहे हैं, वो उनको पीठ पर बैठाने को तैयार नहीं है, वो उनकी पूछ पकड़ कर लटक रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार का कुछ देर पहले बयान आया टेलीविजन पर और आपके ही एबीपी माझा पर बयान दिया कि वो राज ठाकरे से समझौता नहीं कर रहे, वो लेकिन राज ठाकरे उनकी पूछ पकड़ ले रहे हैं, तो उनकी लहर है तो पूछ पकड़ ले रहे हैं लोग, इनकी पूछ तो कोई नहीं पकड़ रहा। बीजेपी गई ना राज ठाकरे के पास, यही लहर है। अरे शिवसेना कहाँ है इसमें प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी बीजेपी मोदी की लहर है, राज ठाकरे उसका फायदा उठा रहे हैं, शिवसेना कहाँ है? ज्ञानी व्यक्ति है, उसका नाम बताइए जहाँ भारतीय जनता पार्टी मन से सपोर्ट कर रही है। आप खुश हैं इससे राज ठाकरे और बीजेपी के बीच जो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी किस सीट पर मन से के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है? मुझे आप दोनों मिलकर ये बताएं कि मनसे का वो कौन सा उम्मीदवार है और वो कौन सी सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है? आप तो मुझे ये बता दीजिए राज ठाकरे और बीजेपी के बीच जो हो रहा है उससे आप खुश हैं? देखिए बात तो ये है जी, आरके सिंह साहब नहीं, उससे खुश होने की आवश्यकता नहीं है, हाँ? लेकिन इतना दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई स्ट्रेटजी किसी समझौता कर ले रहा है, अच्छा, इसे शिवसेना के स्वास्थ्य पर या भारतीय जनता पार्टी से उसके गठबंधन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी राजनीतिक उम्मीदवार नहीं चाहेंगे, भले ही उस लहर की पूछ पकड़ कर आपके चुन प्रतिद्वंदी जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जगह जरूर ले रहे हैं। शिवसेना के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं एमएनएस ने, बीजेपी के खिलाफ नहीं, ये भी ध्यान देने वाली बात। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूं मैं प्रेम शुक्ला जी, चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, सभी मेहमानों से बात करेंगे, जल्द लौटते हैं। चर्चा जारी है हमारी कि अगर नरेंद्र मोदी की लहर है तो फिर एक सुरक्षित सीट की तलाश क्यों? अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें निकल कर आई है उस पर नजर डाल लें। पीएल पुनिया साहब का मानना है कि अगर देश में मोदी की लहर है तो वो गुजरात से क्यों नहीं लड़ते, जोशी को पार्टी वाराणसी से धक्का दे रही है। शाज़िया इल्मी का मानना है कि जो मोदी देश संभालने की बात कर रहे हैं वो अपनी ही पार्टी में मतभेद को दूर करने में फेल हैं। फैजल वारसी साहब का मानना है कि देश में नरेंद्र मोदी की लहर है तो वो कन्नौज या मैनपुरी से लड़कर दिखाएं। आरके सिंह साहब कह रहे हैं कि वाराणसी सीट पर अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, 13 मार्च को बीजेपी की बैठक में फैसला हो जाएगा। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। पीएल पुनिया साहब, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कम से कम गुजरात छोड़कर बाहर जा तो रहे हैं, एक प्रदेश में जाकर के जहां से सबसे ज्यादा पार्टी को फायदा हो उस सीट की तलाश कर रहे हैं। आप लोगों के बड़े नेताओं का क्या? वो तो वही है जो उनका हमेशा से गढ़ माना जाता रहा है, उसको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। देखिए नरेंद्र मोदी जी को कहां से टिकट देते हैं, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी का विवेक है, उसके विवेक के अनुसार वो टिकट देंगे, लेकिन सवाल ये है कि जब पूरा देश का विश्वास मत लेने के लिए निकले हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो अपनी पार्टी के लोगों का विश्वास तो प्राप्त कर लें पहले। वो मुरली मनोहर जोशी जी को धक्का दे रहे हैं, कभी किसी की बात कर रहे हैं और वहां पर मुरली मनोहर जोशी जी को मनाने की बात हो रही है, कौन सी ऐसी बात है